हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो इंडिया के अंदर इस टाइम पे सबसे टॉप मोस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, दैट इज कनाडा। सबको कनाडा जाना है, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा है, चाहे वो एक जॉब वर्कर है या फिर कोई बिजनेसमैन है। बट यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप अपने आप को एक सस्टेन और एक स्टेबल लाइफ दे पाओगे अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में कम्प्लीटली मूवमेंट की सोच रहे हैं। सो इसी बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स, देन 25 टू 34 ईयर्स एंड देन 34 प्लस। ये आप लोगों की एज जो है 34 प्लस में 50 तक जाती है, जिसके अंदर बिजनेस कैटेगरीज एंड पीआर डायरेक्टली आ जाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स। अब हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत इमेच्योर कैटेगरी है, जो अभी जस्ट 12th करके ग्रेजुएट हुए हैं और सोचते हैं कि हम लोग कैनेडा मूव कर जाए। तो आप लोगों को शायद बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आने का डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ चार बातों की ही बात करूंगी, क्योंकि अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो सकती है। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप कौन सा कोर्स कनाडा के अंदर चूज करते हैं। आपको भी पता है कि 2023 की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डाउन में जा रही है। इस टाइम पे जॉब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर रोज डिस्कशंस हो रहे हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है कि जॉब की अवेलेबिलिटीज ही नहीं है आपके पास। तो आपको ये सोचना पड़ेगा आज ही कि अगर मैं कोई कोर्स ले रहा हूँ या कोई मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, क्या उसका फ्यूचर कनाडा की मार्केट में है। इंडिया में गाइज आप कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आप जुगाड़ लगा के अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, क्योंकि आप स्टेबल हैं वहाँ पे, आपका एक बैक हिस्ट्री है, आपके वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आपकी पूरी डेवलपमेंट वहाँ हुई है। लेकिन जब आप कनाडा में आते हैं, यहाँ आपको सब कुछ न्यू फेज से स्टार्ट करना है, तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर। अब हम बात करते हैं आपके कोर्स ड्यूरेशन की। जब हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन कोर्स लेकर ही कनाडा में आए, जिससे आपको कम से कम 3 या 4 साल का एक गैप मिलेगा और आप अपने आप को ग्रूम कर सकोगे। साथ ही साथ आपका जो एक CRS स्कोर होता है वो भी डेवलप हो जाएगा। तो एक अच्छे CRS स्कोर के साथ आप बहुत ईजीली PR ले सकते हैं, आप एक जॉब अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ सफिशिएंट नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट कर लिया होता है उस ड्यूरेशन में कि आप कैपेबल हैं अपने आप को मार्केट में प्रूफ करने के लिए। देन आप हम लोग बात करते हैं आपकी लास्ट पॉइंट की, दैट इज योर डिटर्मिनेशन। सारे बच्चे कनाडा में आना चाहते हैं लेकिन सबके माइंडसेट्स अलग होते हैं। तो एक बच्चा जिसका डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है, जिसने या तो बहुत सारे लोगों को आते जाते कनाडा में ऑलरेडी पहले देखा है, तो वो शायद कहीं ना कहीं समझता है कि कनाडा में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन वो भी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ कनाडा का नाम सुना और वो कनाडा में मूव कर गए स्टडीज के लिए। तो गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी होती है ना, वो ये है कि ये बच्चे सेल्फ डिटर्मिनेट नहीं होते हैं, और जब तक ये समझ पाते हैं तब तक इनको 2 या 3 साल लग जाते हैं, आपको बहुत सारे धक्के खाने पड़ जाते हैं। तो आप अपना माइंडसेट करके आइए, फुल नॉलेज के साथ आइए और इस पर पूरी रिसर्च कीजिए कि क्या मेरे लिए ये बेनिफिट में है या नहीं है। तो जो हमारी नेक्स्ट एज ग्रुप है, दैट इज फ्रॉम 25 ईयर्स टू 34 ईयर्स। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस एज ग्रुप में जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, उनका कम से कम 4 से लेके 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो अपनी PR की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर चुके हैं। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि वो PR के लिए एलिजिबल है या नहीं है, बिकॉज ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है और आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक जरूर करनी है। देन हम डिस्कस करते हैं फर्दर थिंग्स को जो इम्पॉर्टेंट है। तो हम कंसिडर करते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जो लोग आते हैं मूव करते हैं, तो उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं या हो सकते हैं।
तो आई थिंक जो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है यहाँ पर स्कोप की, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर शायद वो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि इंडिया में हमारे रिलेवेंट जॉब प्रोफाइल्स का कोई स्कोप नहीं रहा है, तो वो सोचते हैं कि कनाडा मूव कर जाते हैं तो शायद हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी और हम लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब इसके पीछे ये बात बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं तक, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको कि अगर आपने सही तरीके से सर्च रिसर्च नहीं किया है फिर वो गलत हो जाएगा। आप अगर सच में अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई स्कोप देख रहे हैं तो पहले उससे रिलेटेड जॉब प्रोस्पेक्ट को या ट्रेंड को समझिए कि वहां पर कितना अमाउंट ऑफ जॉब है एट प्रेजेंट और कितना इफेक्ट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा इस साइड में सर्च करके आते हैं तो आई थिंक कनाडा इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। देन हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो माइंडसेट आता है कि हम लॉन्ग जंप कर लेंगे। लॉन्ग जंप इन द सेंस कि आप सोचते हैं कि आज हम इस सैलरी पर बैठे हुए हैं तो अगर हम कनाडा मूव करते हैं तो हमारा जो सैलरी ग्रोथ है वो डायरेक्टली बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत इजीली हमें एक अच्छा सा रेज मिलेगा जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यार हम इंडिया में तो इतना काम कर रहे थे शायद हम कमा नहीं पा रहे थे बट यहाँ पर वी आर सेटिस्फाइड। कुछ हद तक ये पॉइंट ठीक है कि इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है, एक राइज मिल जाता है, पर उसके पीछे गाइस बहुत सारे बिटर ट्रुथ भी हैं कि आपको आते ही अपने फील्ड की जॉब यहाँ पर नहीं मिलती है क्योंकि आप ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आप अपने आप को इतने आराम से किसी भी चीज़ के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और आप जब मार्केट में अपने आप को सेल करने के लिए निकलते हैं तो शायद आपको पता चलता है कि वो हमें एंटरटेन नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो आपको जब कैनेडियन एक्सपीरियंस लेने का एक जर्नी स्टार्ट करते हैं आप तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल लाइफ से निकलना पड़ता है जिसमें आपको सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि मुझे कहीं से भी स्टार्ट करना पड़े, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, मैं करूंगा बट मैं अपनी फील्ड में फाइनली जाके जॉब एस्टेब्लिश करूंगा अपने लिए। अब हमारा जो सबसे लास्ट एज ग्रुप है दैट इज 34+, हम कंसिडर करते हैं कि ये 50 ईयर्स तक नॉमिनल रेंज रहती है जहां पर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और सोच भी रहे हैं बहुत सारे लोग आने की। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? जो आपको सबसे फर्स्ट चैलेंज आएगा दैट इज डेफिनेटली योर पीआर। आप अपनी पीआर के पॉइंट्स जब काउंट करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पीआर के पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपको करना है दैट इज योर पीएनपी प्रोग्राम सिलेक्शंस। आपको अपना प्रोविंस चूज करने में बहुत ही समझदारी से काम लेना है कि मैं किस प्रोविंस को चूज कर रहा हूँ और उस प्रोविंस के अंदर कौन कौन से पीएनपी प्रोग्राम्स आते हैं या वो किस स्ट्रैटेजी से वर्कआउट कर रहे हैं कि मेरी एज ग्रुप को कुछ बेनिफिट हो सकता है मेरी पीआर के लिए। तो ये सारी बातें जब आप ध्यान में रखोगे उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस बचते हैं। वो होगा आपका रीसेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट से जो कि कैनेडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है और आपका वो वाला इमिग्रेंट ग्रुप जो कि 20 या 25 प्लस की इयर्स में यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है और उनको कुछ इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक आप लाइन में बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं जो कि जॉब के लिए सेम कॉम्पिटिशन में है। तो आपको यहाँ पर चैलेंज जरूर आएगा एंड यू हैव टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। तो थिंक वेरी केयरफुली एंड वेरी स्मार्टली अदरवाइज इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन। सो आई होप गाइज कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सारी एज ग्रुप्स को कैटर किया होगा। सभी जो कनाडा आना चाहते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर मिला होगा एंड आप लोगों को सोचने में ज़रूर हेल्प मिलेगी कि क्या आप लोगों के लिए ये डिसीजन फ्रूटफुल है। सो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वेलकम टू कनाडा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।